गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था द इन द मेमोरी ऑफ लायन। ठीक है, तो इसमें ये स्टोरी है तानाजी के बारे में। तानाजी मालूम सारे जो क्या हुआ था मैं बता देता हूँ कि भाई तानाजी शिवाजी काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो एक दिन वो उमराठा किसी गांव में रहते थे, तो उमराठा जो गांव था वो सजा हुआ था क्योंकि तानाजी के बेटे की शादी होने वाली थी। ठीक है, लेकिन अचानक क्या होता है कि एक घुड़सवार आता है जो कि तानाजी से मिलना चाहता है। तो तानाजी से मिलकर बोलता है कि आपको शिवाजी महाराज ने याद किया। ठीक है, तो वो फटाफट निकल जाते कि वो शिवाजी से मिलने निकल जाते रायगढ़ में। अब वहाँ पहुँचकर रायगढ़ के किले में पहुँचकर तानाजी देखते कि शिवाजी काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी पेंसिव मूड में है, अच्छा मूड नहीं है उनका, काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी चिंता में है। तो आगे क्या होता है वो देखते हैं। राजे, आई एम हियर एट योर सर्विस, सेड तानाजी बाउइंग। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ राजे, तानाजी ने झुकते हुए कहा। ओ माय सिम्हा हैज कम, एक्सक्लेम्ड शिवाजी। ओ मेरे शेर तुम आ गए, शिवाजी ने कहा। ही एम्ब्रेस तानाजी एंड सेड कम सिट डाउन। उन्होंने तानाजी को एम्ब्रेस किया, उनको गले लगाया और उन्होंने बोला बैठ जाओ। वी हैव डिफिकल्ट असाइनमेंट, हमारे पास एक बहुत कड़ा बहुत कठिन काम है। असाइनमेंट मतलब काम। माँ साहेब फील्स दैट द अदर फोर्ट्स आर नॉट सेफ सो लॉन्ग एज वी ड्यू नॉट रिकैप्चर कोंडाना फोर्ट। माँ साहेब को लगता है कि दूसरे किले हैं वो ज़्यादा दिन तक सेफ नहीं है जब तक हम लोग जो कोंडाना फोर्ट है वो वापस कैप्चर ना कर लें। उदय सिंह राठौर इज इन कमांड ऑफ द मुगल फोर्सेस। उदय सिंह राठौर मुगल जो शासक है उनकी फोर्सेस का कमांडर है। इस मैन आर गार्डिंग द थ्री गेट्स, जो उसके लोग हैं वो तीनों गेट्स पर खड़े हुए हैं। हिज सन्स आर ऑल्सो विद देम, और उसके बेटे भी उसके साथ ही हैं। ऑल ऑफ देम आर ब्रेव फाइटर्स, और सबके सब बहादुर वो फाइटर्स हैं, योद्धा हैं। देर इज ऑल्सो द किलर एलिफेंट चंद्रावती, वहाँ पे वो जो खूंखार हाथी भी है चंद्रावती भी। शी इज़ अ फोर्स बाय हरसेल्फ, वो खुद बहुत बड़ी शक्ति है। आई हैव थॉट एंड थॉट बट कांट फाइंड अ वे कैप्चरिंग द फोर्ट, मैंने काफ़ी सोचा लेकिन एक कोई उपाय नहीं निकाल पा रहा उस किले को वापस अपने अंदर लेने का, कोई उपाय नहीं निकाल पा रहा। यू आर द ओनली वन हु मे बी एबल टू फाइंड अ वे, तुम ही एक ऐसे हो जो कोई उपाय निकाल पाओ। द लाइन्स डीपन ऑन तानाजीस बाव ब्रो, तानाजी ने फटाफट सोचा, जो उनकी आंखों के ऊपर त्योरियाँ थी वो चढ़ गई, उनके माथे के ऊपर लाइन्स आ गई। देन ही स्पोक, फिर उन्होंने कहा, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक योजना है। कहाँ थे, द फोर्ट इज गार्डेड ओनली ऑन थ्री साइड्स, वी विल ट्राई टू एंटर फ्रॉम द वेस्ट। जो फोर्ट है वो तीन तरफ से बंद है, तो हम लोग चौथी दिशा से अंदर जाएंगे। वॉट, शिवाजी स्प्रैंग अप, एंटर फ्रॉम द वेस्ट, यू आर नॉट प्लानिंग टू क्लाइम दैट प्रेसिपीस, इट्स अनअसेलेबल। क्या वेस्ट से घुस जाएं, तुम ये तो प्लान नहीं कर रहे कि हम लोग वो चढ़े, वो जो जो हराया नहीं जा सकता वो चढ़ाई करें, हम लोग अनअसेलेबल है, जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसको चढ़ा नहीं जा सकता वो चढ़ाई करें। तानाजी सेड कूली, नो राजे, इट इज़ नॉट द वे आई इंटेंड टू इट। तानाजी कहा, नहीं नहीं मैं इस तरह से नहीं करने वाला। ही देन एक्सप्लेन्ड हिज प्लान टू शिवाजी इन डिटेल, उसके बाद उन्होंने अपनी योजना शिवाजी को समझाई। इट इज़ अ डेयरिंग प्लान एंड शिवाजी एंशियसली वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट, ये काफ़ी खतरनाक योजना है। शिवाजी ने चिंता में कहा कि ये बहुत ज़्यादा कठिन है इसको करना। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन जस्ट वन थिंग, हर तीसरे वे की चीज़ पर निर्भर है।
यस इट इज़ डिफ़िकल्ट राजे बट नॉट इम्पॉसिबल। हाँ ये बहुत कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। वी विल प्रिपेयर वेल एंड वी विल सक्सीड। तानाजी साउंडेड कॉन्फिडेंट। हम लोग काफ़ी अच्छी तैयारी करेंगे और हम लोग विजय होकर वापस आएंगे, तानाजी ने कॉन्फिडेंटली कहा। वेरी वेल गो अहेड विद योर प्रिपरेशंस, मे गॉड इज भवानी ब्लेस यू। बढ़िया है, चलो अच्छी बात है, तुम तैयारियाँ करो, भगवानी वहाँ तुम्हारी सहायता करें। तानाजी बाउड टू शिवाजी एंड लेफ्ट। तानाजी शिवाजी के सामने झुके और वो चले गए। ही कॉल्ड सूर्याजी एंड सम ऑफ हिज पर्सनल फ्रेंड्स हु वर वेटिंग एंड द एडजॉइनिंग रूम। उन्होंने सूर्याजी और उसके कुछ दोस्तों को बुलाया जो कि पास के कमरे में इंतजार कर रहे थे। ही स्वोर देम टू सीक्रेसी एंड देन टोल्ड देम ऑफ द प्लान। उन लोगों के साथ उन्होंने वो योजना बताई। वी बिकेन प्रिपेयरिंग एडवांस। हम लोग फटाफट हम लोगों ने तैयारी कर ली। ड्रिल द सोल्जर्स परफेक्ट देम इन द यूज ऑफ आर्म बट डू नॉट टेल देम व्हाट फॉर व्हाट। सैनिकों को इकट्ठा करो, उनको हथियार दो लेकिन उनको बताओ मत किस लिए। वी हैव टू टेक द एनिमी बाय सरप्राइज। हम लोगों को जो वो है दुश्मन है उसको चौंकाना होगा, एकदम सरप्राइज देना होगा वहाँ पहुँच कर। सून एवरीथिंग वॉज रेडी। हर चीज़ जल्दी हर चीज़ तैयार हो। तानाजी कॉल्ड हिज फ्रेंड एंड अनाउंस। तानाजी ने उसके दोस्तों को बुलाया और अनाउंस किया, टुनाइट वी विल अटैक। आज हम लोग अटैक करेंगे। इट इज़ अ मूनलेस नाइट एंड नथिंग विल बी विजिबल। ये अमावस की रात है और आज कुछ भी देखा नहीं जा सक पाएगा। ऑल ऑफ यू मस्ट बी एब्सोल्युटली साइलेंट एज यू अप्रोच गोंडाना फोर्ट। तुम लोग एकदम शांत रहोगे जैसे जब तुम गोंडाना फोर्ट तक पहुँचोगे। आई विल टेक द इगुआना यशवंती। मैं घोड़ा लेकर जाऊँगा जिसका नाम है यशवंती। विद हर हेल्प वी विल स्केल द रॉक। उसकी मदद से हम लोग पहाड़ चढ़ जाएंगे। देन ही टर्न टू सूर्याजी। फिर वो सूर्याजी की तरफ मुड़े। यू आर टू टेक द रेस्ट ऑफ द मैन एंड वेट एट कल्याण गेट। तुमको बाकी के आदमी तुम लेके चले जाओ और कल्याण गेट पर मेरा इंतजार करो। वी विल थ्रो इट ओपन फॉर यू। हम लोग ये खोल देंगे तुम्हारे लिए। लास्ट मिनट प्रिपरेशन गेट ओवर। दे मार्च टू द फोर्ट क्वाइटली अ शेडोज इन अ शॉर्ट वाइल। दे रीच द फोर्ट ऑन द रेसिपीज। वो एकदम शांति से पहुँचे कोंडाना फोर्ट तक। वो एकदम शांति से और वो पहुँच गए। कहाँ तक पहुँच गए? प्रेसिपीस तक। प्रेसिपीस मतलब एक बहुत ऊंचा एकदम सीधा पहाड़ होता है, पहाड़ का हिस्सा होता है, उसको प्रेसिपीस कहते हैं। ठीक है। तानाजी टाइड अ रोप टू यशवंती नेक। तानाजी ने यशवंती की गर्दन पे एक रोप बांधी, रस्सी बांधी। देन ही थ्रू हर अप हार्ड सो ही कुड क्लच द वॉल। फिर उसको उन्होंने ऊपर फेंक दिया ताकि वो दीवार पर अटक जाए। बट द इक्वाना लॉस्ट हर ग्रिप एंड स्लिदर्ड डाउन। लेकिन जो वो था इगुआना थी, इगुआना मतलब एक वो होती है चिपकली होती है, अमेरिकन चिपकली। उसने अपनी वो जो ग्रिप थी वो पकड़ने की क्षमता थी छोड़ दी और वो कहीं और अटक गई। जहाँ फेंका था वहाँ नहीं अटकी, उससे नीचे अटक गई। और इट इज़ अ साइन ऑफ बैड लक एक्सक्लेम्ड वन ऑफ द सोल्जर्स। ये ये तो बुरी किस्मत का वो है निशान, साइन है कि कुछ बुरा होने वाला है, उसका वो है ये प्रमाण है। एक्सप्लेन वन ऑफ द सोल्जर्स। एक सैनिक ने कहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं ना। बाकी चैप्टर ज़्यादा नहीं बचा, फटाफट हो जाएगा। हाँ दो पेज रह रहे, कल करवा दूंगा मैं, है ना। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। बाकी तुम लोग रीडिंग कर लेना, रीडिंग करने से तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। थैंक यू।